उद्धव खड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार न्यूज में। तो हम जानना चाहेंगे जिस तरह से हिंदू परिषद थी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में बदली है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे कौन से विवादित मुद्दे हुए जिस तरह से अपनी संगठन आपको बनानी पड़ी? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का गठन माननीय प्रवीण भाई को इसलिए करना पड़ा कि 60 साल के बाद में इस देश में हिंदुओं का एक बवंडर खड़ा हुआ, हिंदुओं की एक वोट बैंक खड़ी हुई, जिसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में बहुमत में हमने सत्ता में दे दिया। लेकिन करोड़ों हिंदुओं ने जो सपना लेके उनको जिता के दिया था इस देश के, वो सपना पूरा नहीं हुआ। राम मंदिर का विषय, धारा 370 का विषय, रोहिंग्या मुसलमान का विषय, कन्या अन्याय से कई विषय हैं जो हिंदुओं के मानबिंदुओं के आस्थाओं के साथ जुड़े थे, और ये देश के करोड़ों हिंदुओं का जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का गठन करना पड़ा। दिनेश पाटिल जी, आपका नमस्कार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप सभी को मालूम रहेगा कि प्रवीण भाई तोगड़िया कौन थे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष थे, लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद के बाहर क्यों निकले ये अभी तक लोगों को मालूम ही नहीं है कि 14 अप्रैल को प्रवीण भाई को टारगेट किया गया। प्रवीण भाई ने समन्वय के बैठक में हिंदुओं की बाजू रखी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को 4.5 साल गुजर गए हैं, लेकिन वो हिंदुओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इनके एजेंडा में थे कि धारा 370 भी, जैसे उदय जी ने बताया कि उन्होंने एजेंडा में लिखा था कि धारा 370 और 35 ये हटाएंगे, प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। इस देश में 100 करोड़ हिंदू रह के भी प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर नहीं हो रहा है। उनका और कहना था कि गोरक्षा पे कठोर कानून बनाओ तुम, कि सरकार अपनी है, अभी आप कानून नहीं बनाओगे तो कानून बनाओगे कब? फिर उन्होंने कहा इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कायदा आना चाहिए, कि जिस तरह अभी दूसरे धर्म की लोकसंख्या बढ़ रही है, आप सभी को मालूम है कि 1947 में 12.5 करोड़ इस देश में थे, तभी उनको हमने पाकिस्तान दे दिया है। अभी इस देश में 2019 में 21% हो गए, फिर से हमको इस देश के टुकड़े नहीं करने। इसलिए प्रवीण भाई ने समन्वय के बैठक में संघ से और भाजपा से ये विनती की थी कि 4.5 साल भाई जी गुजर गए, अभी तक आपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले शौचालय बाद में दे वाले, तभी समझ में आया कि भाजपा के मन में क्या है। इसलिए प्रवीण भाई ने कहा कि अभी मैं हिंदुओं के बारे में बोलूंगा। उनका और कहना था कि भाई जी आप शांत रहो, 2019 की हमारी सरकार आने दो, फिर हम देखो आपके प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर भी निर्माण करेंगे। मेरी आप सभी से विनती है कि ये देश हिंदुओं का है, लेकिन इस देश में प्रभु रामचंद्र, इस 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य देवत प्रभु रामचंद्र को इन सभी राजनीति पार्टियों ने इनका सिर्फ मजाक बना के उड़ रखा है। किनको शर्म नहीं आ रही है कि रात के 12 बजे याकूब मेमन और अफजल गुरु और कसाब के लिए कोर्ट के दरवाजे खुल सकते हैं, तो हमारे 100 करोड़ हिंदुओं के देव प्रभु रामचंद्र के लिए कोर्ट के दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे? इन सभी राजनीति पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने भगवान की राजनीति की है और कुछ नहीं किया है। इनको जब इलेक्शन आते तभी उनको प्रभु रामचंद्र का मंदिर दिखता है, तभी बोलते हैं कि प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर हम निर्माण करेंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने मंदिर निर्माण नहीं किया। उनका कहना वही है कि हमको चुन के देना, फिर हम देखेंगे कि आपको प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर वैसे ही हो जाएगा। हमने 15 साल राह देखी है, अटल जी की सरकार आई तभी भी हमने कहा था अटल जी गोरक्षा पे आप कठोर कानून लाओ, प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर निर्माण करो। अगर आपने मंदिर निर्माण किया होता तो 265 नहीं 356 सीटें भाजपा की होती। हमारा यही कहना, इसलिए प्रवीण भाई ने 24 जून को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंगदल की स्थापना की है। संगठन चलाने के लिए आप सभी को मालूम है कि राजनीति पावर चाहिए, और राजनीति पावर हमारे पास नहीं थी, इसलिए 9 फरवरी को दिल्ली में ही हमने हिंदुस्तान निर्माण दल पार्टी का गठन किया है, और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा है, उसमें से हम 15 लोकसभा लड़ रहे हैं अभी। तो बीजेपी ने आपके अनुसार कार्य नहीं किया हिंदुओं के लिए, तो आपको अपनी पार्टी बनानी पड़े, तो आगे हम ये जानना चाहेंगे युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं आप? करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। हमारा कहना ही है कि युवाओं को काम, शेतकड़ी को दाम, मतलब श्रद्धा स्थान जो भव्य राम मंदिर है, ये कई विषय लेके हम ये पार्टी के निर्माण के माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि शिक्षा स्तर बढ़ते ही फिर दोबारा से घटते हुए जा रहा है, तो उसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी है, उसने हमारे पास एजेंडा है, जैसा हमारी सत्ता आई उस एजेंडे पे चलेंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, हिंदुस्तान निर्माण दल की तरफ से बोलते हैं।
ऐसे तो आम बात हो गई है कि चुनाव से पहले हर कोई बड़े बड़े वादे करता है और लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया में जीत जाते हैं तो अपने वादों से मुकर जाते हैं और कार्य ऐसे कैसे रखे रह जाते हैं, इस बारे में क्या बोलना चाहिए? करोड़ों हिंदुओं के सामने यही तो सपना दिखाया था, माननीय प्रवीण भाई ऐसे नहीं है, हमारे पार्टी के नेता के ऊपर हमारा भरोसा है और करोड़ों युवाओं को और इस देशवासियों को हम विश्वास दिलाएंगे, जैसे हमारी पार्टी आएगी 8 दिन में राम मंदिर का भव्य निर्माण चालू हो जाएगा, धारा 370 कैंसिल हो जाएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। वैदिक असो, बौद्ध असो, जैन असो, सिख असो, लिंगायत असो, या भारत मातेच्या 5 लेकरांना एकत्र करून आपण या बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानामध्ये प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार आहे, प्रत्येकाला उभं राहण्याचा अधिकार आहे आणि आज तीच परिस्थिती आली आहे। म्हणून माननीय प्रवीणभाई तोगाडी यांनी 9 फेब्रुवारी 2019 दिवशी आज या हिंदुस्थानाला, गरिबांना, महिलांना, मोदी ये भाजपा किसी की रही नहीं, ओनली वन मोदी और अमित शाह की बन गई है। जैसे कि कांग्रेस गांधी परिवार का है, उसी प्रकार से हम ये सोचते थे कि भाजपा किसी की परिवार नहीं है, लेकिन आज ऐसा सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि भाजपा भी मोदी और अमित शाह की बन गई है। कार्यकर्त्याला जो उभा है या लोकसभेला प्रचंड बहुमतांनी विजयी करावा आणि आम्ही सगळे लोक साहेब प्रवीणभाई तोगड़िया साहेबांच्या सोबत आहोत, भले आम्ही दोन असू पण एका विचाराचे आहोत आणि येत्या काही काळात येत्या काही दिवसात दिसून येईल की एक माणूस 100 माणसं जमा करू शकतो, 100 माणसांना कन्व्हिन्स, इथे आणलेला एकही माणूस पैसे देऊन। प्रवीणजी तोगडिया साहेब आमचे आधारस्तंभ, यांच्या माध्यमातून आम्ही या दलमध्ये काम करतोय। आज असा विषय आमचा विचार असा आहे की आज रोजगार, तरुणांना रोजगार मिळत नाही, माता भगिनींना रोजगार मिळत नाही, काम मिळत नाही आणि जे आजचे जे संसद आमदार नगरसेवक जे आहेत त्यांना आपण निवडून द्यायचे विचार आता इलेक्शन जवळ आल्यामुळे करतोय, त्यांना निवडून कोणत्या विषयावर देणार, आपल्यासाठी कोण तळागाळामध्ये कोण आपल्याला मदत करतो धावून येतो तो खरा नेता असतो। आणि हे आज मोदीजींनी पण आपल्याला आश्वासनं दिली आणि ते आश्वासन एक पण पूर्ण केलं नाही आहे, वादे नुसते देतात, ते वादे काही पूर्ण करत नाही, तर आपण एक होऊन आपल्याला जसा नेता पाहिजे, आता मला साहेबांनी जी संधी दिली आदरणीय आधारस्तंभ आमचे प्रवीणजींनी जी संधी दिली, तर मी त्या संधीचं सोनं करून पहिली वीर आपली ईशान्य मुंबईवरून राम मंदिरवर नेईन आणि राम मंदिर बांधायचं पूर्णपणे काम मी दोन हातात घेईन। की 1947 में ही देश के दो टुकड़े हुए थे, वो दो टुकड़े कौन से हुए थे कि धर्म के आधार पे पाकिस्तान इन्होंने मुसलमानों को दे दिया, लेकिन हमारे राजनीति पार्टी में जितने भी बड़े नेता है लेकिन उनको शर्म आती है कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिया था, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, इनको मालूम है अगर हम मुसलमान शब्द का प्रयोग करेंगे इधर देश में बैठे हुए जो गद्दार है इनके साथ ही पहले हमको निपटना पड़ेगा। मुझे कहा गया था कि समारोह में खाली बस ये दोनों नियुक्तियां करना है, लेकिन संगठन की जो परिभाषा है, संगठन क्यों हुआ, निर्माण हुआ, आगे हमको क्या करना है, इसके बारे में इस प्रांत का मंत्री होने के नाते मुझे विषय रखना जरूरी था। इन दोनों महानुभावों को मैं आशीर्वाद देता हूँ और भगवान को कामना करता हूँ कि अच्छा काम करे और सभी के आशीर्वाद से ये दोनों आगे आने वाले विधानसभा में अंबर करके आए, ऐसा सब तालियों से उनका स्वागत करो।